इस वक्त की बड़ी खबर, जंग के बीच रूसी मीडिया का सनसनीखेज दावा, रूस के ब्रियांस्क शहर में न्यूक्लियर बम गिराने की थी तैयारी। यूक्रेनी न्यूक्लियर टारगेट पर रूस के कई और शहर थे। एटमी अटैक को लेकर रूस के ब्रियांस्क में 8 जून तक हाई अलर्ट जो रिपोर्ट किया जा रहा है रशियन मीडिया की तरफ से। यह चिंताजनक खबर है कि यूक्रेन न्यूक्लियर अटैक कर सकता था। और एक और बड़ी अपडेट, यूक्रेन से हुआ खतरा तो रूस कर सकता है एटमी अटैक। एक्सपर्ट्स का ये मानना है यूक्रेन पर परमाणु बम गिराने से पीछे नहीं हटेगा रशिया, पुतिन पर है युद्ध जल्दी खत्म करने का दबाव। एक्सपर्ट्स का ये, रूसी सेना ने यूक्रेनी सेना पर सबसे बड़ा हमला बोला। रूसी सेना ने यूक्रेनी सैन्य ठिकानों पर जमकर बमबारी की है। रूसी सेना की बमबारी में यूक्रेनी सैन्य ठिकाने तबाह हो गए। ये तस्वीरें आपके सामने, सैन्य ठिकानों को छोड़कर भागने को मजबूर हुई यूक्रेनी सेना। रूसी सेना के हमले के बाद हर तरफ केवल धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, एक और बड़ा हमला जो कि रशियन फोर्सेस की तरफ से बोला गया यूक्रेनी सैन्य ठिकानों पर। और इसमें किस तरह से ना सिर्फ जो यूक्रेनी सैन्य ठिकाना है वो तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। अब ये देखिए दो तस्वीर आपको